जय हिंद साथी। दोस्तों, पिछला हमने जो वीडियो देखा था संविधान का, उसमें हमने अनुच्छेद 120 तक पूरा कवर कर लिया था और आज हम उसी के आगे बढ़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम बारी बारी करके देखेंगे। तो दोस्तों, इस कड़ी में जो हमारा पहला जो अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करी गई है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनकी नियुक्तियां एवं उनको हटाए जाने संबंधी जितने भी प्रावधान है उसके बारे में बताया गया, हम एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, कुल जो जजों की संख्या है वर्तमान में वो कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, 33। कितनी है? 33, 32 प्लस 1 जो 32 है ये अन्य न्यायाधीश है और एक जो ये आप अकेला देख रहे हैं एक, ये कौन है? ये CJI है। ये जो है 32 ये सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है। दोस्तों, ये जो संख्या आप 33 देख रहे हैं, अगर आपको इसमें घटाना या बढ़ाना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? संसद के पास। यानी कि इसका जो अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में उसमें कमी करने या फिर उसमें वृद्धि करने का जो अधिकार प्राप्त है वो किसे है? संसद को। दोस्तों, अभी जो आप अगला पॉइंट देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने हेतु आवश्यक योग्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर नियुक्त होना है तो आपको भारत के किसी भी हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 साल तक आपको या तो जज के पद पर काम करना पड़ेगा या फिर 10 साल आपको वकालत करनी पड़ेगी। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की आवश्यक योग्यता। अब बात कर लेते हैं नियुक्ति संबंधी। कोलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। ये कोलेजियम क्या है? कोलेजियम ये 5 जजों का समूह है जिसके की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों, अगला जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं वो है जजों को हटाए जाने हेतु महाभियोग का लाया जाना। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना है तो आप उसके लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो अधिकतम 65 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक जो है कार्यरत रहते हैं, ठीक है। या तो आप इन्हें महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, या फिर ये स्वयं हट जाएंगे अगर इनका जो उम्र है वो 65 वर्ष से अधिक हो जाता है। दोस्तों, अब हम जो अगला आर्टिकल देखेंगे वो है अनुच्छेद 125। कितना? अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 क्या कहता है? जजों का वेतन। अनुच्छेद 125 में जजों के वेतन संबंधी प्रावधान है और ये जो वेतन दिया जाता है ये दिया जाता है आपके संचित निधि से। भारत का जो संचित निधि होता है उसके माध्यम से जो है इनको वेतन दिया जाता है और ये संचित निधि में किसी भी प्रकार की, इनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हें कुल 2,80,000 रुपए दिया जाता है वेतन और अन्य जजों को 2,50,000 रुपए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है उन्हें 2,80,000 और जो बाकी के जो न्यायाधीश है आपके, ये देख रहे हैं आप, एक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और जो बाकी के जो 32 हैं ये अन्य न्यायाधीश हो गए। ये 32 जो है इनको 2,50,000 रुपए और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इन्हें 2,80,000 रुपए। दोस्तों, अगला जो अनुच्छेद है 126। अनुच्छेद 126 क्या कहता है? CJI की अनुपस्थित में अस्थायी CJI की नियुक्ति। मान लीजिए कि कभी ऐसा कोई सपोज दैट कि कोई ऐसा दुर्भाग्यवश या फिर किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश भी हो सकता है किसी कारणवश भी हो सकता है, अगर आपकी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अनुपस्थित रहते हैं तो वहां पे क्या की जाएगी? अस्थायी रूप से CJI की नियुक्ति की जाएगी। अस्थायी मतलब अब ये जो अस्थायी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति की जाएगी, ये जो आप देख रहे हैं 32 अन्य न्यायाधीश है इन्हीं में से वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, लेकिन अस्थायी रूप से, ठीक है। अब दोस्तों, जो अगला आर्टिकल है वो है हमारा अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये तदर्थ न्यायाधीश क्या है, ये शब्द आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों संविधान के भाषा और उसके शब्दों को समझना और पकड़ना बहुत जरूरी है। आपको अगर मैं चाहता तो इसको मैं आसान शब्दों में भी लिख सकता था, लेकिन चूंकि ये संवैधानिक भाषा है हमें इसमें बदलाव नहीं करना है, हमें इसका अर्थ समझना है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, मान लीजिए कि ये जो 32 आपके न्यायाधीश दिख रहे हैं, क्या ये जो 32 न्यायाधीश दिख रहे हैं, हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में? जो कुल जजों की संख्या होनी चाहिए वो 33 होनी चाहिए। सपोज दैट कि किसी कारणवश ये जो 32 न्यायाधीश है अगर इसमें किसी भी प्रकार से कमी हो जाती है तो वहां पे आपको जो है ये जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी भी हाई कोर्ट से, ठीक है, भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं वहां से किसी भी जज को जो है आप ला सकते हैं यहाँ पे जो है 32 की संख्या पूरा करने के लिए।
इसके अलावा अनुच्छेद 128 क्या कहता है, इसी से संबंधित है कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है लाया जाना। या तो एक प्रावधान और है अनुच्छेद 128 के तहत, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जो जज हैं उनको भी आप ला सकते हैं इस संख्या को पूरा करने के लिए 32 की, ठीक है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय का कार्य करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं आपको बहुत अच्छे से देखना है उसे। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय ले लिया, ठीक है, या फिर किसी कोई विधि बना दिया, कोई कानून बना दिया, तो उसे जो है सभी हाई कोर्ट को मानना है, ठीक है। अनुच्छेद 130 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ की बात करी गई है। क्या, सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ की बात करी गई है अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 130 का मतलब ये समझिए आप कि CJI जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट का खंडपीठ बना सकते हैं भारत के किसी भी शहर में, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लीजिए कि जरूरत पड़ने पर जो है किसी अन्य शहर में सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सुनवाई है वो त्वरित हो सके या फिर जल्दी जल्दी हो सके, ठीक है। अनुच्छेद 131 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार की बात करी गई है अनुच्छेद 131 में। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र में क्या क्या बातें आती हैं, कब कब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि तीन जो है विशेष रूप से मुकदमे आते हैं, जैसे केंद्र राज्य विवाद हो गया। क्या, केंद्र मान लीजिए कि केंद्र की जो सरकार है या फिर किसी राज्य की सरकार है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, दोनों के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, या फिर राज्य राज्य के बीच विवाद हो गया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की जो सरकार है, इन दोनों के मध्य किसी बात को या फिर किसी विशेष जो है कि मान लीजिए कभी कभी आपने सुना होगा कि नदी को लेके भी, नदियों को लेके विवाद होता है, तो इस तरीके से जो है किसी भी विषय पर विवाद हो सकता है। और इसके अलावा बात करें, एक और केंद्र, ऐसा भी होता है कि एक साइड केंद्र हो, एक तरफ केंद्र हो और एक तरफ कई सारे राज्य हो, इनके मध्य भी विवाद हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बिल हुआ, ठीक है। ये अक्सर देखिए क्या होता है, ये विवाद तभी उत्पन्न होते हैं जब केंद्र द्वारा किसी विशेष बिल को पास किया जाता है, वैसे में क्या होता है कि सभी राज्य जो है मिल करके उस बिल का विरोध करते हैं और केंद्र उसको जो है बिल को पास करने के पक्ष में रहता है, ऐसे में विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ मूल क्षेत्राधिकार हैं। और आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत जो है कि हम लोग जब हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तब हम कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 132 से 136 तक क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय अधिकार, क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय अधिकार है, यानी कि ये आप मान के चलिए कि यदि आप, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपके, आप जो है कि आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ठीक है, आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है या फिर आपने किसी के ऊपर मुकदमा किया है और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके पक्ष में या फिर आपके अनुसार जो निर्णय होता है वो नहीं रहता है, तो आप वहां से जाते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठकर के आप हाई कोर्ट जाएंगे। जब हाई कोर्ट में भी आपके आपके अनुसार जब निर्णय नहीं रहता, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो है आपके पक्ष में निर्णय नहीं होता है, तो आप हाई कोर्ट से उठ के आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। मतलब अगर आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संतुष्ट नहीं हुए तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। यही है सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय अधिकार, के आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, उसके ऊपर तो भाई कोई न्यायालय ही नहीं है, उसके बाद सीधे आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाना पड़ेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है या आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अनुच्छेद 137 क्या कहता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए किसी फैसले में, किसी मामले में अपना फैसला सुनाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने फैसले को बदल सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने फैसले को बदल सकता है, और तमाम ऐसे मामले हुए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदला है। अनुच्छेद 139 क्या है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य मामलों का रिट। देखिए अनुच्छेद, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर उल्लंघन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप यहां सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं,
लेकिन ये तो बात हो गई आपकी मौलिक अधिकारों संबंधित, लेकिन अन्य मामलों संबंधित अगर आपको रिट दायर करना है सुप्रीम कोर्ट में तो आप कहां जाइएगा, अनुच्छेद 139, क्या अनुच्छेद 139 आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगा। मतलब सिंपल सिंपल ये समझिए कि 32 के तहत जो है कि आप जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, लेकिन अनुच्छेद 139 कहता है कि आपके मौलिक अधिकार के अलावा जो अन्य जो अधिकार हैं उसके अलावा अगर आप जो है कि उससे संबंधित अगर आप रिट दायर करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आप कहां जाएंगे, अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अन्य न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन, वही चीज हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय ले लिया ठीक है तो वो सभी हाईकोर्ट को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाईकोर्ट मान लीजिए उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट ने कह दिया भाई मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला सुना दिया, जैसे कि आप ये न्यायिक कहा गया ये सुप्रीम कोर्ट में अपीली अधिकार, इसको आपने देखा कि आप नीचे से कैसे ऊपर ऊपर जा सकते हो, तो अगर हाई कोर्ट से किसी अभियुक्त ने जा करके सुप्रीम कोर्ट में अगर उसने जो अपील किया है और उसके पक्ष में अगर फैसला आता है तो हाई कोर्ट भी उस फैसले को मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह, राष्ट्रपति किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में भी अक्सर यहां से एक प्रश्न बनते हैं, इसलिए अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ आपने अगर समझ लिया तो उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन आपका जो है फंस सकता है एग्जाम में। दोस्तों देखिए संविधान से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आएंगे ठीक है, कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको संविधान बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।